Hey guys, welcome back to the Dynamite Mail. My name is Sahil Gera और start करते हैं अपनी नई वीडियो के साथ में. Again we are back with a review video and before starting anything, किसी भी टाइप की paid promotion नहीं है. ये वाला मैंने specifically आपके लिए लिया है कि हम इस minimalist brand को आपके लिए review करने वाले हैं. But ये मैंने अपने skin type के हिसाब से मंगवाया. काफी ज़्यादा इसकी hype हो रही थी. मैंने कहा बिल्कुल बनता है. तो तीन चीजें इसमें मैंने मंगवाई है. सबसे पहले हमारे पास cleanser है. Secondly is a face toner and third is a moisturizer. अब ये specifically मेरी oily skin के लिए है. अगर आपकी dry skin है क्या, उसके लिए थोड़े से डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं. और अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है उसके लिए भी थोड़े से डिफरेंट आते हैं, लेकिन वो ऑयली से कहीं ना कहीं मैच करता है. लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हमारी ऑयली स्किन के बारे में. और गाइस अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं करा. मैं अभी इसको ट्राई करूंगा और बिल्कुल आपको जेन्युइनली बताऊंगा इसके पॉजिटिव्स, इसके नेगेटिव्स, कैसे ये काम करता है हमारी स्किन पे. जो इश्यूज होते हैं, एक्ने होगी, हाइपर पिगमेंटेशन होगी, जो ऑयल ज्यादा सिक्रीट होता है जिसको हम कहते हैं सीबम, क्या ये उसको बिल्कुल टैकल कर पाता है. बिल्कुल जेन्युइन चीज आपके सामने रखने वाला. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ टाइम, जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. ओके गाइस, हमारे पास टोटल आज तीन प्रोडक्ट. सबसे पहला जो है दैट इज अ क्लेंजर, जो कि ये एक बहुत ही ज्यादा स्मूथ टेक्सचर के साथ है. मतलब ये बहुत ज्यादा हैवी नहीं है एंड आप सिंपली इसको लगाओगे तो आपको इसको का फोम निकल के आएगी. तो जो हमारे पास क्लेंजर है ये है विद सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सफोलिएशन, जो हमारी स्किन के अंदर होता है, दैट इज द बेस्ट इंग्रेडिएंट फॉर दिस, ताकि वो सारे जो आपके डेड सेल्स वगैरह होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं. आपके फेस को अच्छे से हाइड्रेट भी करता है. तो इसके अंदर प्लस LHA है विच इज 0.2%. और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज विद द ओट एक्सट्रैक्ट. गाइस ओट जो है ना बहुत हमारी स्किन को ना बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेट करते हैं, स्मूथनेस ऐड करते हैं. तो वो भी इसके अंदर है. प्लस जिंक है, प्लस एलेटोइन है. एंड इसमें लिखा हुआ है कि दिस रिड्यूसेस सीबम एंड एक्ने. गाइस सीबम जो होता है उसकी वजह से ही हमारा एक्ने हो जाता है. सीबम जब ज्यादा प्रोड्यूस होता है हमारे सेबेशियस ग्लैंड होता है स्किन के अंदर, जिसकी वजह से ऑयल सिक्रीट होता है. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने नोटिस किया होगा, आप जैसे ही हाथ मारोगे ना आपको ऑयल नजर आएगा. तो उसको टैकल करने के लिए भी ये प्रोडक्ट काम करता है. एंड इसमें लिखा हुआ है दिस इज फॉर ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन एंड दिस इज फ्रॉम मिनिमलिस्ट. और अब बात करें अगर इसके केमिकल्स की, तो बेसिकली सबसे पहली चीज, जब मैंने इसको लगाया और मैंने स्मेल किया ना, तो इसमें बिल्कुल भी किसी टाइप की फ्रेग्रेंस नहीं थी एंड दैट इज द बेस्ट थिंग. और इनके सारे प्रोडक्ट्स आई थिंक अल्कोहल फ्री होते हैं, तो दैट इज वेरी गुड फॉर आवर स्किन. तो इसके अंदर फ्रेग्रेंस वगैरह नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, पैराबेंस भी नहीं है, सल्फेट्स नहीं है, डाइज एंड एसेंशियल ऑयल्स इसके अंदर नहीं है. और ये आपका पीएच बैलेंस हमारी स्किन का होता है, दैट इज 4.5 to 5.5, ये भी ये प्रोडक्ट मेंटेन करता है. दैट इज वेरी गुड फॉर योर स्किन. तो हम इसको अब यूज करते हैं. एंड जब मैंने इसको अप्लाई किया, अच्छे से मसाज किया और एक मिनट के लिए छोड़ा, देन आई वॉश्ड माई फेस प्रॉपरली एंड मेरे को इतना स्मूथ फील हुआ. मतलब ये बहुत ज्यादा वो नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि काफी सारे मैंने देखा है कि जो ऑयली स्किन वाले होते हैं ना काफी ज्यादा हार्ड होता है, हार्श होते हैं, हमारी स्किन को ओवर ड्राई कर देते हैं. तो वो चीज इसके अंदर नहीं थी एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग. एंड गाइज स्पेसिफिकली मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूं, मेरे को ना बहुत ज्यादा प्रीमियम लगा एंड काफी एस्थेटिक लगा. तो इसके बारे में हम इंस्टाग्राम पर भी डालेंगे. आप इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर सकते हो, बहुत सारा कंटेंट आता है. माय इंस्टाग्राम हैंडल इज द डायनामाइट मेल. अभी इसकी बात करें तो दिस इज अ क्लेंजर. और एक और आता है दैट इज फेस वॉश. फेस वॉश जो होता है ना थोड़ा सा ज्यादा हार्ड होता है, वो ज्यादा ओवर ड्राई कर देता है एंड आपके जो पोर्स होते हैं उसमें काफी ज्यादा ओपन रहते हैं. लेकिन क्लेंजर क्या करता है, आपकी स्किन को ना हाइड्रेट भी करता है. तो काफी सारे पोर्स ब्लॉक भी हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ताकि वो कोई बैक्टीरिया वगैरह अंदर ना आए एंड जिसकी वजह से आपको एक्ने वगैरह इश्यूज नहीं होंगे, आपके कोई भी डर्ट आपके फेस पर नहीं रहेगी. जब कुछ पोर्स रह जाते हैं तो उसके साथ डील करने के लिए विच इज द सेकंड पार्ट, जो कि हमारा आता है टोनर. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है विच इज अ फेस टोनर, तो इसको भी हम अनबॉक्स कर लेते हैं. अभी तक मैंने ये भी यूज नहीं करा है, तो इसको खोलते हैं एंड पहले सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह चेक करते हैं. दिस इज विद द पॉलीहाइड्रोक्सिक एसिड. एंड गाइस ये जो है ना, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करी थी. बेसिकली ये एक केमिकल एक्सफोलिएंट होता है, जो कि स्पेसिफिकली जो हमारे डेड सेल्स होते हैं उसको भी रिमूव करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है एंड जो ओपन पोर्स थोड़े बहुत रह जाते हैं ना उसको क्लोज करने में मदद करता है, जिससे कि बाहर का कोई भी बैक्टीरिया नहीं आता, जिससे कि अगेन आपको एक्ने इश्यूज वगैरह नहीं होंगे. एंड गाइस ये जो फेस टोनर है दिस इज विद द मल्टीबायोटिक्स प्लस अमीनो एसिड्स प्लस पॉलीग्लूटामेक. बेसिकली ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसी से रिलेटेड होते हैं, विच इज पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड, जो कि इसका कॉम्बिनेशन बनाती है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. अब जैसे हम यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं तो हम आपको स्पेसिफाई करते हैं कि आप इसके बाद ये, लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर स्पेसिफाई जो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने खुद इसमें डायरेक्शन दे रखी है कि क्या ये चीज कैसे काम करती है और किस तरीके से अप्लाई करना. तो यहां लिखा हुआ है इट टाइटन पोर्स एंड हाइड्रेट. जैसे मैंने बताया था कि सारे स्किन टाइप पे ये चल जाता है, आपकी ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो या कॉम्बिनेशन स्किन हो, सब पे ये चीज काम करेगी. तो बेसिकली ये टाइट करेगा आपके पोर्स को एंड कोई भी बाहर का बैक्टीरिया अंदर नहीं आ पाएगा. एंड जब मैंने इसको यूज किया, इसका अगेन टेक्सचर बिल्कुल पानी की तरह था, इसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं थी, दैट इज अ वेरी गुड थिंग. एंड आपको सिंपली अपने क्लेंजिंग करने के बाद इसको टैप करना है. पीछे वही चीज लिखी हुई है, इट इज फ्री फ्रॉम फ्रेग्रेंस, सिलिकॉन्स, पैराबेंस, सल्फेट्स, डाइज, कोई एसेंशियल ऑयल्स नहीं है एंड ये पीएच बैलेंस मेंटेन करता है 4 to 4.5, विच इज अ सुटेबल वन फॉर आवर स्किन. तो जब इसको हम अप्लाई कर लेंगे, आपको सिंपली टैप करना है एंड लेट इट ड्राई ऑन इट्स ओन. उसके बाद एक मिनट के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, विच इज द मॉइस्चराइजिंग, विच इज वेरी क्रूशियल पार्ट, जो बहुत लोग नहीं करते हैं लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब गाइज हमारे पास जो मॉइस्चराइजर आता है दिस इज विद द विटामिन B5. अब इसको भी हम ओपन कर लेते हैं एंड अगेन इसके पैकेज पे हम नोटिस करेंगे. पहले तो भाई इसकी पैकेजिंग मेरे को जनरली बहुत पसंद आई, इट इज वेरी सिंपल एंड काफी लग्जूरियस लगता है ये प्रोडक्ट. बेसिकली दिस इज
विद द विटामिन B5 मॉइस्चराइजर विद कॉपर जिंक मैग्नीशियम प्लस हाइलुरोनिक एसिड प्लस B10 गाइस जो हाइलुरोनिक एसिड है स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द टेक्सचर हमारी जैसे स्किन के अंदर वो ऑयली टेक्सचर प्रोड्यूस होना जिसको हम कहते हैं सीबम वैसा ही टेक्सचर इसका भी होता है जैसे कि मैंने रिसर्च करी थी इसमें मैंने पढ़ा एंड स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट ऑयली स्किन हमारी जब स्किन ऑलरेडी प्रोड्यूस करती है ना तो अगर हम इसमें हैवी मॉइस्चराइजर लगा लेंगे तो हमारी स्किन को ना डल फील कराएगा आपने कभी नोटिस किया होगा जब भी आप कोई मॉइस्चराइजर लगाओ तो आपको बहुत भारी भारी से महसूस होता है तो इसके अंदर क्या है स्पेसिफिकली कि ये ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए एंड दिस इज लाइट वेट एंड ऑयल फ्री दैट इज द बेस्ट थिंग दैट वी वॉन्ट ऑन आर ऑयली स्किन आप अपनी ड्राई स्किन पे भी यूज कर सकते हो इसको लेकिन अगर आप नॉर्मल मॉइस्चराइजर यूज करो ड्राई स्किन पे दैट विल ऑल्सो वर्क स्पेसिफिकली ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन पे ये टोनर काम करेगा एंड दिस इज विद द विटामिन B5 एंड अगेन इसमें लिखा हुआ दिस इज फ्री फ्रॉम फ्रेग्रेंस पैराबेंस डाइज एसेंशियल ऑयल्स एंड ये पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करता है रेंजिंग फ्रॉम 5 to 6 मतलब उसको बहुत ज्यादा स्लिपरी नहीं बनाता तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग गाइज मेरे को ये प्रोडक्ट जनरली बहुत पसंद आया जब मैंने इसको अप्लाई किया ना बेसिकली इसका टेक्सचर ना थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट था मतलब ग्रे कलर में था एंड जब इसको मैंने अप्लाई किया ना बिल्कुल लाइट वेट ये मेरे को फील हुआ एंड ऐसा लगा कि मेरे एक तो फेस मैंने कुछ नहीं लगाया एंड मेरी स्किन हाइड्रेटेड भी फील हो रही थी और मेरे को स्किन में वो ग्लो जो सब लोग चाहते हैं ना वो चीज डल स्किन पे गायब हो जाता है जब हम बहुत हैवी लगाते हैं तो वो चीज इसके अंदर देखने को नहीं मिली एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग अब गाइस क्या है कि मैंने आपको प्रोस तो सारे बता दिए लेकिन कॉन्स टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मैं इसको थोड़ा सा रेगुलरली अप्लाई करूंगा मैं कुछ टाइम नोटिस करने वाला हूं इसको कि किस तरीके से वर्क करता है लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन मेरे काफी ज्यादा अच्छे रहे इसको एंड स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट ऑयली स्किन ड्राई स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन ऑयली स्किन और आपकी कॉम्बिनेशन स्किन इनका एक ही मेथड है जो आज मैंने आपको दिखाया ड्राई स्किन में क्या होगा आपका जो नॉर्मल मॉइस्चराइजर जो यहाँ पे हम ऑयल फ्री यूज किया है वो ऑयल बेस्ड होगा जो कि आपकी स्किन को ज्यादा हाइड्रेट करेगा क्योंकि हमारी स्किन पे ऑलरेडी कमी है सीबम की दैट इज द वे अगर आप चाहते हो कि ड्राई स्किन पे भी हम इसको करें तो आप डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि साहिल भाई वी नीड अ वीडियो ऑन दिस एज वेल अब इसको हम प्रॉपरली अपना जेन्युइन एक और रिव्यू देंगे एक महीने बाद तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको चाहिए या नहीं ये सिंपल 3 steps है जो हमको रोज करने चाहिए एक सुबह और एक रात को इससे ज्यादा मत करना और विंटर्स के टाइम पे अगर आप एक बार भी करो दिन के अंदर दैट्स कंप्लीटली फाइन बिकॉज इससे क्या होगा कि आपकी स्किन पे कभी भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको जो डल स्किन महसूस होती है उसमें आपको ग्लो बहुत अच्छा दिखेगा आपको एक्ने के इश्यूज नहीं होंगे आपको हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर केमिकल एक्सफोलिएंट्स भी होते हैं जो आपके डेड सेल्स को रिमूव करते हैं एक्ने की प्रोडक्शन नहीं होने देते सीबम को रिमूव करते हैं दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर आवर स्किन तो आप इसको डेफिनेटली अपने लिए भी ट्राई कर सकते हो और गाइस किसी ने भी ये चीज नहीं बताई होगी बट मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कितने खरीदे तो ये जो क्लेंजर मैंने बात करी थी ये मेरे को पड़ा था 284 रुपीस का एंड जो हमारे पास टोनर है ये पड़ा था थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये 379 रुपीस का पड़ा था एंड जो हमारे पास मॉइस्चराइजर है ये अगेन 330 रुपीस का पड़ा था तो आई थिंक ये ठीक रेंज के अंदर है एंड काफी लंबा भी चल जाएगा आप इसको अच्छे तरीके से यूज करो अब क्या होता है बहुत सारे मार्केट के अंदर स्किन प्रोडक्ट्स हैं अब क्या होता है कि पैकेजिंग देख के ना एक तो भाई फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा अच्छा होता ही होता है क्योंकि लगता है कि हाँ यार कुछ तो चीज हो गया अगर इन्होंने इतनी मेहनत करी है पैकेजिंग के अंदर लेकिन जब मैंने इसको पर्सनली अभी यूज किया मेरे को जेन्युइनली ऐसा लगा कि यार दिस इज फॉर माई स्किन ओनली जब मैंने इसको यूज किया काफी अच्छा मेरे को फील हुआ काफी पर्सनल फील हुआ कि मेरे स्किन पर अच्छे से काम करेगा एंड आई कैन सी द इफेक्ट ऑन माय स्किन राइट नाउ एज वेल बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है कहीं ना कहीं से वो ऑयल प्रोड्यूस होता रहता है तो मैंने काफी देर पहले लगाया था एंड अभी तक इट इज डूइंग वेरी वेल एंड सबसे बढ़िया चीज लगी किसी भी टाइप का इन्होंने अल्कोहल नहीं डाला सारे जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो इसके अंदर यूज नहीं करे किसी टाइप की फ्रेग्रेंस नहीं यूज करी अल्कोहल इसके अंदर नहीं है तो ये चीज बहुत अच्छी है इन्होंने पूरा क्लियरली करा है एंड बिल्कुल भी हाइड नहीं करा जैसे कि इस ब्रांड टैगलाइन भी है विच इज हाइड्स नथिंग एंड दे आर डूइंग इट सो इसके लिए इनको जरूर अप्रिशिएट जाता है मेरी तरफ से एंड गाइस ये थी हमारी तरफ से एक बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू विदाउट एनी पेड प्रमोशन अगर आपकी स्किन भी इस तरीके की है तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो मैं क्या करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा फॉर ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन और ड्राई स्किन के लिए भी डालूंगा ताकि आप अगर खरीदना चाहते हो तो यू कैन डू दैट तो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे एंड आई होप आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशनल और वैल्यूएबल लगी हो तो डेफिनेटली पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और हमारा चैनल द डायनामाइट मेल को भी सब्सक्राइब करना है एंड बी द पार्ट ऑफ आवर डायनामाइट फैमिली ऑल्सो गाइज हमारी जो लद्दाख की सीरीज है वो भी लाइव हो चुकी है हमारे दूसरे चैनल पे विच इज साहिल गेरा व्लॉग्स तो वहां जाके भी सब्सक्राइब कर देना दो चीज आ चुकी है और बहुत बढ़िया बढ़िया सरप्राइजेस आने वाले हैं मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड तो मेक श्योर कि आपको वहां पे भी सब्सक्राइब करना है गाइज इंस्टाग्राम पे बहुत रेगुलर कॉन्टेंट आ रहा है इंस्टाग्राम पे भी आपको फॉलो मैं पूछ नहीं रहा हूं मैं बोल रहा हूं आपको कि जाके फॉलो जरूर कर लेना माय इंस्टाग्राम हैंडल इज द डायनामाइट मेल एंड थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग दिस वीडियो अपना ध्यान रखो अपने बड़ों का भी ध्यान रखो एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो